गाइस टुडे इज 26th ऑफ जनवरी एज यू नो तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. रिपब्लिक डे है ना आज तो क्या सही है तो हैप्पी रिपब्लिक डे जैसा कि हम सभी जानते हैं. और बॉलीवुड में आजकल चल रहा है सिर्फ मणिकर्णिका जो भी है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी शायद मूवी है. तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चल के देखें इस मूवी को, काफ़ी सही मूवी है. तो हमने टिकट बुक की बुक माई शो से और हम निकल पड़े अपनी राहों पर. तो चलते हैं और अपडेट देता हूँ मैं आपको. गाइस कार पार्किंग में लगा के अब हम बढ़ रहे हैं थिएटर की तरफ और कार हमारी पार्किंग में है तो हम चलते हैं अभी थिएटर में. गाइस करेंटली वी हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू द थिएटर एंड आवर मूवी इज गोना स्टार्ट नाउ. सो Stay tuned for that and I'll meet you after this completes. So guys, अभी हो चुका है इंटरवल और कैफेटेरिया पे हो चुकी है भीड़. So currently we are gonna purchase something from here. और कैफेटेरिया पे आप भीड़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है तो अभी हम कोशिश करते हैं कुछ लेने की. काफ़ी भीड़ है तो अभी हम परचेज़ करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वाज अबाउट क्वाइट स्लो और ये काफ़ी स्लो चल रही थी मूवी फर्स्ट हाफ में. सो थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे बट काफ़ी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि फर्स्ट हाफ से बेटर सेकेंड हाफ है. सेकेंड हाफ विल रियली एंजॉय. व्हाट्स अबाउट द सेकेंड हाफ सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो and watch till the end. काफ़ी लोग जल्दी छोड़ देते हो. गाइस नाउ वी आर गोना कंटिन्यू विथ आवर वीडियो और हमने अभी लिया है एक बॉटल पानी और ये पैटी. तो चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं सेकेंड हाफ मूवी का कैसा है. फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं था लेकिन काफ़ी सही था जो पास्ट स्टोरीज उन्होंने बताई है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होगे तो आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन सेकेंड हाफ की स्टोरी आपको पता होगी. चलते हैं और चेक करते हैं वॉट इज इन द रेस्ट ऑफ द मूवी. सो लेट्स कंटिन्यू. सो व्यूअर्स अभी हम निकल चुके हैं मूवी देख के और रिव्यू मैं इसको देना चाहूँगा आई थिंक 3.5 out of 5 बिकॉज द स्क्रीन प्ले वॉज क्वाइट गुड एंड स्टोरी वॉज क्वाइट ऑसम. स्टोरी तो पता ही है सबको. तो इसका बजट है फिल्म का वो बताया जा रहा है 125 crore. उस हिसाब से कंटेंट इसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. इसका कंटेंट आई थिंक 70 to 80 crore वाली फिल्म के टाइप का है. So currently we are heading towards our home. So let's go to our home. So welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. Today is 21st of January, 22nd of January and it is 1 o'clock in the morning. अब कई लोग कहेंगे कि 1 o'clock कौन सी मॉर्निंग होती है लेकिन मेरे लिए यही मॉर्निंग है क्योंकि मैं अभी उठा हूँ वो भी अमेजॉन डिलीवरी बॉय के फ़ोन कॉल से. उसने भी कॉल किया और मैं अभी अपना एक पैकेज लेने जा रहा हूँ. सो चलते हैं आपको मैं बाद में अपडेट देता हूँ. आई डोंट नो व्हाई अमेजॉन डिलीवरी बॉय कॉल यू डाउनस्टेयर्स टू पिकअप योर पैकेज. दे शुड प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विस. पता नहीं क्यों अमेजॉन ऐसी सर्विसेज देता है. अमेजॉन someone is someone delivery boy is watching from amazon you should change it. dekho exam ka pressure dekho aise nikalti hai frustration. aise books ko aise treat karte hain hum. aise hum frustration nikalenge apni aaj. so well guys this is the evening time and currently I'm heading towards a food outlet near to my location. so let us go. aur abhi kya hai ki din bhar padhne ke baad exams ke liye भूख बहुत तेज लगती है तो हम चलते हैं किसी फास्ट फूड आउटलेट पे. लेट्स गो गाइस. सो गाइस करंटली आई एम इन अ फूड आउटलेट हियर कॉल्ड रिट्रीट. यू माइट हैव सीन इन माय प्रीवियस व्लॉग. आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं इसी आउटलेट में था. तो अभी फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे और हमने ऑर्डर किया है चीज़ क्लासिक बर्गर. सो लेट अस वेट फॉर आवर फूड. इट यूजुअली टेक 3 minutes. 3 मिनट में मिल जाता है. सो काफ़ी फास्ट सर्विस है यहाँ की. आप आ सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. अभी मैंने लिया है एक रोल. सो अभी पहले इसे ख़त्म करते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं. सो लेट्स फिनिश. फ्रेंड्स दिस इज द हाउ दिस बर्गर लुक्स लाइक. इट इज चीजी क्लासिक. सो लेट मी शो यू द फिलिंग. फिलिंग दिखा देता हूँ मैं. ये देख सकते हो चीज़ और
वेज आलू टिक्की जो भी है, प्रिय स्टेंडर्ड।